वेलकम टू एनर्निश पेंटिंग। आज हम बनाएंगे सेंटा क्लॉस। ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस वी मेक सेंटा क्लॉस। तो सेंटा क्लॉस बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए पहले हम देखते हैं। न्यूज़पेपर, टिश्यू पेपर, नाइफ, स्केच पेन, बॉटल, ये फीस का बॉटल आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, कॉटन, रेड फैब्रिक, स्टेपलर, फैब्रिक कलर्स, व्हाइट ट्यूब कलर, फैब्रिक ग्लू, फेविकोल एंड सीजर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी बॉटल को कट कर लेना है। उसके एज पे से हमें अपने बॉटल को कट कर लेना है। जो उसका मेन माउथ है हम उसे कट कर लेंगे, ओके। और कट करते समय हमें अपने बड़ों की सहायता लेनी है, खुद से कट नहीं करना है। देन हम पेपर को फोल्ड करेंगे। पेपर को फोल्ड करके उसे एक दूसरे पेपर में रैप करेंगे कि वो फिनिशिंग थोड़ा आ जाए। इस तरीके से देखिए हमें रैप करना है अपने अपने न्यूज़पेपर को। फिर हम उसे बॉटल में डाल देंगे। बॉटल के अंदर उसके जो नीचे के रहेंगे उसे हम डाल देंगे कि वो उसमें सेटल हो जाए। और ये उसका, और फिर हम एक बाउल लेंगे, उसमें थोड़ा सा फेविकोल, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के अपने जो बॉटल का हमारा है और उसके फेस को, सेंटा क्लॉस के फेस को हम कवर करेंगे। पहले आप पूरी पे बॉटल पे फेविकोल अप्लाई कर लीजिए। फेविकोल वाटर जो आपने बनाया है उसे पहले आप पूरी अप्लाई कर लीजिए। देन फिर आप इसे टिश्यू पेपर से कवर कर दीजिए। और जितना अच्छे से आप इसे कवर करेंगे उतना अच्छा आपका फिनिशिंग आएगा। इसे उसके पूरे बॉटल को और पूरे फेस को अच्छे तरीके से फेविकोल और टिश्यू पेपर से कवर करना है। इसे आप टू थ्री लेयर्स में आप कवर कर सकते हैं। देन हमें कुछ टिश्यू पेपर को फोल्ड करना है, रोल करना है। रोलिंग तरीके से हमें कुछ टिश्यू पेपर को रोल कर लेना है। और इसे हम, अब देखिए हमारा बॉटल अच्छे से कवर हो गया। अब हम यहाँ पे इसके जैकेट के लिए टिश्यू पेपर को रोल करके लगाएंगे कि वो हमारा जैकेट बन जाए, सेंटा क्लॉस का जैकेट के लिए। तो यहाँ पे मेरा, हम यहाँ पे टिश्यू पेपर लगा रहे हैं। देन हम एक और टिश्यू पेपर को फोल्ड करेंगे जिससे कि हम सेंटा क्लॉस का बेल्ट बनाएंगे। फिर एक और टिश्यू पेपर को स्क्वायर शेप में फोल्ड करके हम उसके सेंटा क्लॉस का बकल के लिए सेंटर में, बेल्ट के सेंटर में लगा देंगे। अब हमें सेंटा क्लॉस के फेस को स्किन कलर या पीच कलर से कलर करना है। आप रेड, येलो, व्हाइट को मिला के, फैब्रिक कलर मिला के आप स्किन कलर बना सकते हैं। और उसे आप सेंटा क्लॉस के फेस को अच्छी तरह से कलर कर दीजिए। रोल करके उसके नोज़ बना के वहाँ पे बीच सेंटर में लगा दीजिए, वो उसके सेंटा क्लॉस का नोज़ बनेगा। अब हम रेड फैब्रिक कलर से सेंटा क्लॉस की जैकेट और उसके ड्रेस को कलर करेंगे। ये कुछ स्टेप्स आपको सेंटा क्लॉस का जैकेट और उसके ड्रेस को पूरे रेड कलर से, रेड फैब्रिक कलर से कवर करना है। अब यहाँ पे ब्लैक कलर से हम सेंटा क्लॉस के बेल्ट को कलर करेंगे। सेंटा क्लॉस के बकल को हम येलो कलर से कलर करेंगे। जो कि सेंटर में लगा से हम येलो कलर से कलर करेंगे और बीच में हम ब्लैक कलर से छोटा सा बॉक्स बना देंगे। अब हमें एक पेपर, न्यूज़पेपर को रोल करना है जिससे कि हम उसका कैप बनाएंगे। और इसे आप इसका पॉइंटर और नीचे से कट कर दीजिए। देखिए कुछ इस टाइप से। अब हम इसे सेंटा क्लॉस का, इसी से हम कैप बनाएंगे। इसे यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए सेंटा क्लॉस के हेड पे। ये पूरा पेस्ट करके अब हम इस, अब देखिए कुछ कॉटन लीजिए और कॉटन को
फोल्ड करके उसके जो हमने नैपकिन से वाइट बनाया था उसके ऊपर हम कॉटन लगा देंगे। एज अ फैब्रिक हम कॉटन यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से जितना भी आपने नैपकिन लगाया सब जगह पे आप कॉटन पेस्ट कर दीजिए। और अब उसके जो माउथ स्टिक है उसके लिए भी हम कॉटन का यूज़ करेंगे। इससे हम उसकी माउथ स्टिक बना देंगे। अब देखिए हमें रेड फैब्रिक को पीछे से हल्का सा स्टिच करके अब हम उसे कैप बनाएंगे सेंटा क्लॉज का। ये कुछ स्टेप्स हमें इस यहाँ पे हल्का स्टिच करते समय हमें अपने बड़ों की हेल्प लेनी है, खुद से स्टिच नहीं करना है। अब यहाँ पे नीचे के पार्ट में हम थोड़ा सा फेविकोल यूज़ करेंगे, फेविकोल हल्का सा लगा के वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सेंटा क्लॉज के हेड के ऊपर हम इसे पेस्ट कर देंगे। जो हम पेपर लगाए थे वहाँ पे हम इसे अच्छे से पेस्ट कर देंगे और हल्का सा पेपर में हम इसे स्टिच कर देंगे कि वो थोड़ा सा फोल्डिंग इफेक्ट आए उस पर। इस टाइप से हम कर सकते हैं। देखिए ये हमारा हेड बन गया, ये इसका कैप बन गया सेंटा क्लॉज का। अब हम नीचे के पार्ट में, सेंटा क्लॉज के नीचे के पार्ट में हम लगा देंगे फेविकोल लगा के, वहाँ पे भी हम अपना कॉटन पेस्ट करेंगे। जैसे हमने बाकी के पार्ट्स में किया है वैसे हम कैप के पार्ट में भी, नीचे के पार्ट में कॉटन पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा ये बन गया। अब हम कॉटन थोड़ा सा जहाँ पे हम फोल्ड किए अपने हेड को वहाँ पे भी थोड़ा सा कॉटन फेविकोल लगा के थोड़ा सा कॉटन वहाँ पे भी लगा देंगे। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इस टाइप से आप भी बना सकते हैं। अब हम उसकी आईज़ बनाएंगे। आईज़ के लिए पहले हम फेविकोल लगा लेंगे, फिर आप गुगली आईज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे पेपर पे आईज़ कट करके यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर रुई कॉटन से ही आईब्रो भी बना के पेस्ट किया है। अब यहाँ पे आप, यहाँ पे इसका माउथ आप सेंटा क्लॉज का पेस्ट कर दीजिए। तो इस टाइप से देखिए पूरा मेरा सेंटा क्लॉज का फेस तैयार हो गया। अब हम सेंटा क्लॉज का हैंड बनाएंगे। देखिए मैंने ये नैपकिन फोल्ड करके सेंटा क्लॉज का हैंड तैयार किया है। आप भी ऐसे बना सकते हैं, नैपकिन को ऐसे फोल्ड कर लीजिए, उसके बाद फिर उसमें बीच में एक और नैपकिन फोल्ड करके पेस्ट कर दीजिए। तो ये देखिए मैंने टू हैंड बना लिया और दोनों की साइज़ को थोड़ा सा सेम कर लिया। तो हमारे सेंटा क्लॉज के हाइट के आप अकॉर्डिंग, अपने सेंटा क्लॉज के हाइट के अकॉर्डिंग आप इसके हैंड का साइज़ भी कर सकते हैं। फिर मैंने देखिए ऊपर के पार्ट्स में, जैसे कि मैंने सेंटा क्लॉज का ड्रेस को रेड किया है इसलिए मैं ऊपर के पार्ट्स में रेड कलर करूँगी और नीचे जो उसका ग्लव्स का पार्ट है मैं उसमें ब्लैक कलर करूँगी। इस तरीके से देखिए मैंने इसके दोनों हैंड को तैयार कर लिया है। अब मैं दोनों हैंड को पहले बैक में पेस्ट कर लूँगी। इसके दोनों हैंड को पहले आप बैक में पेस्ट कर ले और मैंने एक हैंड को मैं इसके वेस्ट पे रखूँगी। इस टाइप से देखिए मैं इसके एक हैंड को पहले इसके वेस्ट पे पेस्ट कर लूँगी और एक हैंड में इसके एक जो सेंटा क्लॉज के पास पैकेट होता है, झोला जिसे कहते हैं हम गिफ्ट का, वो मैंने एक तैयार करूँगी जिससे कि मैं इसे दूसरे हैंड में पकड़ाऊँगी। इसे हल्का सा आप ऐसे फोल्ड कर लीजिए, ये सेट हो जाए। इस टाइप से देखिए हमें दोनों हेड मैंने तैयार कर लिया। अब मैं इसके जो हेयर हैं वो मैं वाइट कॉटन से बनाऊंगी। तो फिर दोनों तरफ आप फेविकोल लगा के दोनों तरफ थोड़े थोड़े से कॉटन पेस्ट कर दीजिए, ये इसके हेयर हो जाएंगे सेंटा क्लॉज के। ये कुछ स्टेप्स। अब मैं जो इसके वाइट पार्ट छोड़ा था मैं उसमें भी, जैसे कि पूरे ड्रेस में लगाया वैसे वहाँ पर भी मैं वाइट कॉटन पेस्ट कर दूँगी एज अ वाइट फैब्रिक। ओके, इस तरीके से आप भी अपने सेंटा क्लॉज में वाइट कलर का वाइट कॉटन पेस्ट कर दीजिए। ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इस टाइप से आपको
पूरा वाइट कॉटन से आपका थोड़ा हाईलाइट भी होगा और वो बहुत ब्यूटीफुल भी लगेगा। अब ये देखिए जो मैंने टू तैयार किए वो उसके बूट्स तरह के एक तरह के हैं, वो भी मैंने नैपकिन से ही बनाया। नैपकिन को फोल्ड करके आगे से मैंने बस उसे राउंड कट कर दिया है। आप भी ऐसे ही बना लीजिए फोल्ड करके। अब मैं उसे ब्लैक कलर से कलर करके उसके पैर के उसकी बॉटल में नीचे के पार्ट्स में चिपका दूंगी, जिससे कि वो उसका लेग लगेगा ठीक कुछ इस टाइप से। सॉरी मेरे हैंड में थोड़े से लग गए, बट नो प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए इस टाइप से आपको सेंटर में बॉटल के दोनों लेग को लगा देना है, जिससे कि वो उसका बूट्स या फिर शूज़ बन जाएगा। ओके okay?